बनर्जी मुर्दाबाद, चलिए ममता बनर्जी मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं NBC 24। अभी हम पहुंचे हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहा पे। जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया है, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जो ममता बनर्जी, जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से ममता बनर्जी को ले पुतला दहन किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और जिस तरह से बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया उसको लेकर। सर हमारे साथ है सर, जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया, हिंसा राजनीति की जा रही बंगाल में, तो उसको लेकर क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी कानून को अपने हाथ में ले लिया है, गुंडों को पाल रखा है, अपराधियों के माध्यम से वो जिस प्रकार से हमले करवा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, अब तो हद हो गया कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन पर हमले करवाने का काम कर रहे हैं। अभी सुधर, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं ममता बनर्जी को कि सुधर जाइए, और नहीं तो आपको बंगाल से बेदखल होना पड़ेगा, बंगाल छोड़ करके आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी, कानून को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, कानून का राज इस देश में है और रहेगा, बंगाल में भी वही रहेगा। इस तरह से सर, आपको पुतला दहन के उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? आज तो पुतला दहन के माध्यम से चेतावनी देने का काम किया है, अगर ममता बनर्जी नहीं सुधरी तो राष्ट्रपति शासन की भी मांग करेंगे, और वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर उन गुंडों को, उन अपराधियों को उस पर शिकंजा कसने का काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा राजनीति की जा रही है, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ईंटों से हमला किया गया, जानलेवा हमला किया, निश्चित रूप से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आक्रोशित है, और बंगाल की जनता पूरी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। इसी बेचैनी में ममता जी आज अपने गुंडों से ईंटा और पत्थर बरसवा रही हैं, लेकिन वही बंगाल की जनता निश्चित रूप से वोटों की बारिश करेगी, और 3 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनने जा रही है। इस तरह का माहौल रहा पश्चिम बंगाल में तो क्या राष्ट्रपति शासन? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से अराजकता के साथ, जंगल राज के साथ और गुंडों के बल पर सरकार चलाई जा रही है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव हो। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे, सभी बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा, मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा जी के जो काफिले पर हमला किया गया उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी आक्रोश है, और आज पटना इनकम टैक्स चौराहा पे ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन जब हमारे नीति नवीन जी से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह का व्यवहार रहा, अगर ममता बनर्जी का इस तरह का व्यवहार रहा तो राष्ट्रपति शासन लागू लगने के भी चांस हो सकती है। तो आप ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे NBC 24। NBC 24, सच की ताकत।